बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन्स होते क्या हैं, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी उसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। दे आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो किस से बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमें पता है तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर इन तीन बेसिक एलिमेंट्स के साथ साथ चौथा नाइट्रोजन कंपलसरी होता है। अब प्रोटीन बने किस चीज़ से होते हैं, इनके बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कि वो कंपाउंड्स जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बने हों और इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेजर कंपोनेंट हो। अच्छा, इसके साथ साथ अमाइनो एसिड जो हैं वो कितने होते हैं प्रोटीन के अंदर। तो प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ प्रोटीन्स छोटी होती हैं, कुछ प्रोटीन्स बड़ी होती हैं। फंक्शंस के हिसाब से उनका साइज़ होता है, इस वजह से वो साइज़ के हिसाब से अमाइनो एसिड्स होंगे। कुछ के अंदर फ्यू अमाइनो एसिड्स होंगे, कुछ के अंदर थाउजेंड्स में अमाइनो एसिड्स होंगे, या इससे भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हो सकते हैं। नेचर के अंदर अगर हम देखें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो प्रोटीन की क्या रेशो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और इन एवरेज जो होती है वो 50% ऑफ देयर टोटल ड्राई वेट होती है। यानी 50% टोटल ड्राई वेट जो किसी भी सेल का होगा वो प्रोटीन से बना होगा। और प्रोटीन हर तरह के सेल में और सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स के अंदर या पार्ट्स के अंदर मौजूद होती है। हम देख लेते हैं प्रोटीन के फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन का नाम भी दे सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स भी आप कह सकते हैं। पहली इम्पॉर्टेंस या पहला फंक्शन जो प्रोटीन का है वो ये है कि दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। के सेल के स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ऑर्गेनेल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। हम इसको सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल्स। सेकेंड इसका फंक्शन या इम्पॉर्टेंस होगी ये है कि एंजाइम्स जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं या मेटाबॉलिज्म जो सेल के अंदर हो रहा होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और एंजाइम्स की नेचर क्या होती है, प्रोटीन। इसका मतलब हुआ कि प्रोटीन का दूसरा फंक्शन क्या है कि वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तीसरा, हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने प्रोटीन्स रखे हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, वो भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। नंबर फोर, प्रोटीन्स चंद एक प्रोटीन्स ऐसे हैं हमारे बॉडी के अंदर जो एक्ट एज अ कैरियर या वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। लाइक हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज में पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाई जाती है। इसका फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन को, लिपिड मॉलिक्यूल्स को और मेटल आइंस को ट्रांसपोर्ट करना है। तो हीमोग्लोबिन की जो नेचर होती है वो प्रोटीनियस होती है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो भी प्रोटीन्स जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो भी प्रोटीनियस होते हैं और वो पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाते हैं। यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होगा, वायरस या बैक्टीरिया, उसको क्या करेंगे, किल कर देंगे या किल करने की कोशिश करेंगे, उसके अगेंस्ट केमिकल्स रिलीज करेंगे, उनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इसके साथ साथ आफ्टर इंजरी जो क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, ब्लड लॉस से बचाते हैं, उनको हम क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं। इस वजह से कि वो भी प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स में इन्वॉल्व होते हैं, और स्पेशली जब सेल डिवीजन हो रही होती है, माइटोसिस हो रही होती है, तो ड्यूरिंग एनाफेज जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो भी ड्यू टू प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन की डेफिनेशन में हमने देखा कि प्रोटीन्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड्स के, मतलब अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बेसिक यूनिट होते हैं प्रोटीन्स के।
तो अब हम देख लेते हैं अमाइनो एसिड होते क्या हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला क्या है। सेल या टिश्यूज़ के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो 170 होते हैं। उन 170 में से 25 जो हैं वो प्रोटीन्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इन 25 में से भी जो फ्रीक्वेंटली प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इस्तेमाल होते हैं। अब जनरल फार्मूला आपके सामने है, सेंटर में एक कार्बन अटैच है, इसको हमने अल्फ़ा कार्बन का नाम दिया। केमिस्ट्री में आपको पता है अल्फ़ा कार्बन ऐसे कार्बन को कहा जाता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। इस कार्बन के साथ दो मेजर फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, राइट साइड पे कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच है COOH एसिडिक ग्रुप और लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप NH2 इसको बोलते हैं। और नीचे एक साइड चेन R लिखा गया है और ऊपर हाइड्रोजन है। हर अमाइनो एसिड में याद रखिएगा कि हर अमाइनो एसिड के जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। अल्फ़ा कार्बन के साथ कार्बोक्साइल ग्रुप भी होगा हर अमाइनो एसिड के अंदर, अल्फ़ा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। जस्ट जो चेंज आएगा हर अमाइनो एसिड के अंदर वो आर की लोकेशन पे, पोजीशन पे या टाइप पे आएगा। आर जो है वहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, तो इस तरह से अमाइनो एसिड की टाइप भी चेंज हो जाएगी। अब ये जनरल फार्मूला था, आगे हम देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड किस तरह से एक दूसरे से डिफर करते हैं और किस तरह से बनते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अमाइनो एसिड्स देख लेते हैं हम लोग। दो तरह की आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल। एक अमाइनो एसिड को ग्लाइसिन कहते हैं, दूसरे को एलानिन कहते हैं। अब बनता कैसे है, प्रीवियस हमने डिस्कस किया जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड के लिए सेम है, उसके तीन कॉम्पोनेंट सेम रहेंगे कि अल्फ़ा कार्बन के साथ एक साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, अमाइनो ग्रुप रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा। चेंज जो आएगा वो टाइप ऑफ आर में आएगा। सपोज आर की जगह पे अगर हाइड्रोजन लग जाएगा तो इस अमाइनो एसिड को हम कहेंगे कि ये ग्लाइसिन है। अगर इसी आर को हम CH3 से रिप्लेस कर देंगे तो ये एलानिन कहलाएगा। हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स हमने उसकी डेफिनेशन में देखा, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। फिर हमने देखा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उसका जनरल फार्मूला हमने देखा। अब हम देखते हैं कि वो अमाइनो एसिड्स जो बेसिक यूनिट्स हैं वो आपस में किस तरह से जुड़ते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। जब डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो वो एक चेन की फॉर्म में आ जाते हैं। उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं और उस मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं किस तरह से जो है अमाइनो एसिड आपस में लिंकेज करते हैं। यहाँ पे दो अमाइनो एसिड दिखाए गए हैं, जैसे प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि ग्लाइसिन बना कैसे था और एलानिन किस तरह से बना था। ग्लाइसिन बना था आर की जगह पे एच आ गया था और एलानिन बना था आर की जगह CH3 आ गया था। यहाँ पे दो सामने अमाइनो एसिड्स दिखाए गए हैं, ये आपस पे किस तरह से लिंकेज करेंगे। एक अमाइनो एसिड का आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक अमाइनो एसिड जो फर्स्ट वन है जिसको आपने ग्लाइसिन का नाम दिया है, इस अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, कार्बोक्साइल ग्रुप होगा, वो लिंक करेगा जो सेकेंड अमाइनो एसिड है जिसे हमने एलानिन का नाम दिया। एलानिन का जो अमाइनो ग्रुप होगा वो लिंक करेगा। इसका मतलब हुआ एक अमाइनो एसिड जो है उसका कार्बोक्साइल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में लिंकेज करेंगे। किस तरह से लिंकेज करेंगे कि कार्बोक्साइल ग्रुप में से OH रिमूव होगा और अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव होगा। OH प्लस H इसका मतलब है यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा और एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो कंपाउंड आएगा उसको हम ग्लाइसाइल एलानिन का नाम देंगे। यानी दो अमाइनो एसिड कंडेंस हो गए, यानी ग्लाइसिन और एलानिन कंडेंस हुए, एक दूसरे के साथ मिले, उन्होंने लिंकेज की, इस कंपाउंड को हमने नाम दिया ग्लाइसाइल एलानिन। इसको दूसरा नाम डाइपेप्टाइड भी देते हैं। अब डाइपेप्टाइड इसलिए कहा जाता है कि दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते हैं, इस वजह से हम इसको डाइपेप्टाइड का नाम देते हैं। अब यहाँ पे जो लिंकेज शो हो रही है वो अगर आप देखें सामने, तो कार्बन और नाइट्रोजन की लिंकेज है। कार्बन और नाइट्रोजन की लिंकेज को हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अब साथ में जो है प्लस वाटर लिखा गया है। वाटर का मतलब है कि यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान वाटर रिमूव हुआ है। ये वो वाला वाटर है जब एलानिन और ग्लाइसिन ने आपस में रिएक्शन किया और वहाँ से वाटर रिमूव हो गया और लिंकेज बन गई, जिसको आपने पेप्टाइड लिंकेज का नाम दिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि लिंकेजेस जो हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं।
अभी हमने रिएक्शन में देखा कि दो अमाइनो एसिड्स उन्होंने आपस में रिएक्ट किया, ग्लाइसिन ने और एलानिन ने, और एज अ रिजल्ट जो कंपाउंड बना उसे हमने ग्लाइसाइल एलानिन का नाम दिया था, या हमने कहा था ये डायपेप्टाइड बना। ये अब हम देख लेते हैं कि दो अमाइनो एसिड्स तो बने तो उन्हें डायपेप्टाइड का, अब हम ये देख लेते हैं अगर सपोज तीन अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगा कंपाउंड, उसको हम कहेंगे ट्राईपेप्टाइड। अगर तीन मिलेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, अगर चार मिलेंगे तो उसे हम टेट्रापेप्टाइड का नाम देंगे, अगर पाँच अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो हम पेंटा पेप्टाइड का नाम देते हैं, छः मिलेंगे तो हेक्सापेप्टाइड कहेंगे। इसी तरह से ढेर सारे अमाइनो एसिड जब लग जाएंगे तो वो एक लंबी सी चेन बना देंगे, उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, यानी अमाइनो एसिड जो हैं वो डाईपेप्टाइड के साथ, सपोज एक अमाइनो एसिड ने अटैच होना है तो किस साइड पर अटैच होगा। अगर डाईपेप्टाइड ग्लाइसाइल एलानिन के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो एक साइड पर अमाइनो ग्रुप है और एक साइड पे कार्बोक्साइल ग्रुप है, दोनों फ्री टर्मिनल हैं, मतलब दोनों रिएक्टिव पार्ट्स हैं। ये वो साइट्स हैं जहाँ पे अमाइनो एसिड लग सकते हैं, कार्बोक्साइल साइड पे भी अमाइनो एसिड अटैच हो सकता है और दूसरा अमाइनो ग्रुप वाली साइड पे भी जो है वो एक और अमाइनो एसिड अटैच हो सकता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक के बारे में, अगर इसको डिटेल से सुने और उसके बाद अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझे सेंड कर सकती हैं, आपको इंशाल्लाह आंसर मिलेगा उस चीज़ का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक के बारे में, अगर इसको डिटेल से सुने और उसके बाद अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझे सेंड कर सकती हैं, आपको इंशाल्लाह आंसर मिलेगा उस चीज़ का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।